एक जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है चिकन फिंगर्स। ये बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई करें। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ये चिकन चेस्ट मीट ली है 500 ग्राम। हम लोग ने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है, ये हम लोग ने स्ट्रिप्स काट ली है। हमारे पास है ये 1 egg medium size, 4 tablespoon yogurt and धनिया पाउडर, चिली पाउडर एंड salt। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर योगर्ट डाल देनी है 3 tablespoon। धनिया पाउडर डाल देंगे, अब हम इसमें ये 1 teaspoon, 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड कर देंगे। और हमने इसमें ये 1/2 teaspoon चिली पाउडर ऐड करना है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि जितना भी हमारा मिक्सचर बन रही है हर किसी के ऊपर लग जाए, हर एक स्ट्रिप के ऊपर लग जाए। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम लोग ने इसको मैरिनेशन के लिए 30 मिनट्स के लिए हम लोग ने इसको फ्रिज में रख देना है। मैंने इसको प्लेट से कवर कर दिया, अब हम इसे फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। गाइस 35 मिनट्स हो चुके हैं और अब हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम उसे बाहर निकालते हैं। क्रिस्पी बने और बहुत ही मजेदार। ये मैंने मैदा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सारे स्ट्रिप्स को कोट करना है। गाइस हमारे फिंगर चिप्स रेडी हो गए, मैं इनको निकालने जा रहा हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं।